हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है। इसमें काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं और काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम थ्री कैटेगरीज में, थ्री एरिया में डिवाइडेड करते हैं। जैसे देखो, दिस इज़ कोर जोन। अंदर वाला जो रीजन होता है वो कोर जोन होता है। इसके बाहर एक बफर जोन बनाते हैं और इसके सबसे बाहर जो होता है ट्रांजिशन जोन होता है, जो कि ह्यूमन और एनिमल्स के बीच का एरिया होता है। और ये देखो, कोर जोन जो होता है इसमें किसी तरह की एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती हैं। वनली रिसर्च एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, वो भी परमिशन, प्रॉपर परमिशन लेना पड़ता है इसके लिए। और रिसर्च के लिए ये कोर जोन ओनली अलाउड होता है। इसके अलावा जो बफर जोन होता है तो इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, लाइक ग्रेजिंग, फिशिंग और थोड़ा बहुत ट्राइबल जो रहते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह इसमें कर सकते हैं। और ट्रांजिशन जोन है, ये फ्री होता है। ये तो ह्यूमन और सेंचुरी के बीच में एक ट्रांजिशन बनाता है, तो ये तो स्पेशली फ्री ही है, ओपन। ठीक है, अब देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म जो है फर्स्ट नॉर्मन मायर के द्वारा दिया गया था, 1988 में दिया गया था। अब ये होता क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलके बना है। एक देखो बायो है, एक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है मेनी स्पीसीज एंड बायो मतलब होता है वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ऐसा रीजन जो कि क्या हो, जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज हो। तो देखो, इसका अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो हम ये देंगे, बायोजियोग्राफिक रीजन थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। ऐसा रीजन जो कि क्या हो, बायोजियोग्राफिक रीजन हो जो कि ह्यूमन के एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या हो, थ्रेटेंड हो। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो ये किसी एरिया को हम बायोजियोग्राफिक हॉटस्पॉट कब कह सकते हैं, जब वहाँ पे 1500 जो स्पीसीज हो इंडेमिक हो, ठीक है, और क्या हो उसमें 70% थ्रेट हो, उसके बाद हम उस एरिया को हॉट स्पॉट के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसके बाद देखो दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं, एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है और एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। इन मतलब क्या होता है, स्वस्थानी, हिंदी होती है इसकी, स्वस्थानी मतलब खुद के स्थान, जो खुद का हैबिटेट होता है इनका, उसको हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे कि देखो, नेशनल पार्क्स हुए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हुए, ये खुद के वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट होते हैं, तो इसलिए हम इसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। एक्स सीटू मतलब होता है बाहर, मतलब बाहर अगर आवास बनाया जाता है इनका, इनका नेचुरल हैबिटेट ना हो। जैसे कि हम जू देखते हैं, जू बना होता है, बॉटेनिकल गार्डन होते हैं, जीन बैंक्स होते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ स्पीसीज को ला के रखा जाता है, उसका कंजर्वेशन किया जाता है, तो इस तरह के एरिया को हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ देम, नेशनल पार्क्स और रिजर्व एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंसेज हैं। तो देखो, रिजर्व्ड एरिया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ द रीजन। ठीक है, तो क्या होता है, अगर किसी मतलब रीजन को हम क्या करें, नेचुरल वेजिटेशन के लिए, उनके वाइल्ड लाइफ के लिए और उनके नेचुरल ब्यूटी के लिए हम क्या करें, रिजर्व रखें, तो उसको हम नेशनल पार्क्स कहते हैं। तो और नेशनल पार्क्स में क्या होता है, ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड, ग्रेजिंग नहीं अलाउड होता है यहाँ पे। और ये किसी जैसे होता है, ये नॉट फॉर अ सिंगल स्पीसीज, ये सिंगल स्पीसीज के लिए नहीं होता है, इसमें वैरायटी होती हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ हो सकती हैं। तो ये तो नेशनल पार्क्स का क्राइटेरिया था। सेकंड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो, इसमें क्या होता है, ये भी एक रिजर्व्ड एरिया होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। और देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड, इनकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, और यहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड होता है, और मे बी फॉर अ सिंगल स्पीसीज, हो सकता है ये सिंगल स्पीसीज के लिए हो। ठीक है, और नेक्स्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैंने बताया ही, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया है ये। और ये किस लिए होता है, टू प्रिजर्व करने के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इनकरेज रिसर्च इन इकोलॉजी,
प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर दी एजुकेशन, एजुकेशन की फैसिलिटी दी जाती है, रिसर्च के लिए इनकरेजमेंट के लिए होता है, डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये होता है, ठीक है, और अवेयरनेस ट्रेनिंग अलाउड होते हैं इन सारे रीजन में। और दिस इज़ नॉट फॉर अ सिंगल स्पीसीज, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज होते हैं और बहुत सारी स्पीसीज का क्या होता है, कंजर्वेशन किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम इनके मैप देख लेते हैं। ओके, तो देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन आवर इंडिया। तो ठीक है, हम लोकेट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 जो हैं। देखो, दिस इज कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? हिमाचल में है। दिस इज नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में है। दिस इज कंचनजंगा, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। यहाँ देखो मानस है, नॉर्थ ऑफ दी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये असम में है। यहाँ देखो दिहांग दिबांग ये है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ दिब्रू साई खोवा है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ देखो नोक्रेक है, मेघालय में है सिचुएटेड। यहाँ देखो सुंदर वंश हैं पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल है ओडिशा में। यहाँ देखो अचानक मार अमरकंटक है, ये कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा सेसाचलम हिल्स, ये कहाँ है? आंध्रा में है। यहाँ देखो नीलगिरी, ये तीनों के जंक्शन पे है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये देखो अगस्त मलाई, ये केरला में है। यहाँ देखो कच्छ, ये कहाँ है? गुजरात में है। तो दिस इज ऑल अबाउट 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व है वो MAB के अंदर आता है। MAB इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ यूनेस्को। MAB का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो कि यूनेस्को द्वारा बनाया गया है टू पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी के, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ भी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते और वाइल्ड लाइफ वैराइटीज़ को, स्पीसीज़ को सिक्योर किया जा सके, कंजर्व किया सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।